हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगी। ये एक मेकअप एक्सपेरिमेंट है। मेरे पास जितने भी फाउंडेशन है मैं आज सारा फाउंडेशन मिक्स करने वाली हूँ। मेरे पास टोटल 13 फाउंडेशन है, 13 कैटेगरी का फाउंडेशन है। कोई फाउंडेशन इल्यूमिनेटिंग है, कोई ड्यू फिनिश है, कोई भी मैट है, तो अलग अलग टाइप का है। कोई फुल कवरेज है, कोई मीडियम कवरेज है। तो आज सारा फाउंडेशन मैं एक साथ मिक्स करूंगी और देखूंगी कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। सो ओवरऑल क्या रिजल्ट आता है, उसका फिनिशिंग लुक कैसा आता है, वो हमें पता चलेगा। तो इसके बाद क्या है, आपके पास अगर 2-3 टाइप का फाउंडेशन है तो भी आप उसको मिक्स करके यूज कर सकते हो। मैं मोस्टली टाइम 1-2 फाउंडेशन तो मिक्स करती हूँ, पर इतने सारे फाउंडेशन मैंने आज तक कभी भी मिक्स नहीं किया है। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं एक बार मिक्स करके देखूँ। तो इसमें हाई एंड फाउंडेशन भी है एंड काफी अफोर्डेबल फाउंडेशन भी है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको सारे फाउंडेशन दिखा देती हूँ, देन मैं आपको मैं कैसे मिक्स करती हूँ वो दिखाती हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सारे फाउंडेशन। यहाँ पर 12 फाउंडेशन दिख रहा है आपको, पर एक और भी फाउंडेशन है मेरे पास डर्माकोल, वो मैं ऐड करना भूल गई। मेरे पास टोटल 13 फाउंडेशन है। तो मैंने अपने मॉइस्चराइजर जो अच्छे से अप्लाई कर लिया है, तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करके थोड़ा टाइम स्किन को ऐसे ही छोड़ना है, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी मैं कोई भी प्राइमर यूज नहीं करूंगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर हम फाउंडेशन से पहले प्राइमर अप्लाई करते हैं तो किसी किसी प्राइमर की वजह से किसी फाउंडेशन का जो फिनिशिंग है वो स्मूथ आता है स्किन पे। तो क्योंकि प्राइमर हमारे स्किन पे बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इसलिए मैं आज कोई भी प्राइमर अप्लाई नहीं करूंगी। क्योंकि जब भी मैं आपके साथ कोई भी फाउंडेशन की रिव्यू शेयर करती हूँ तब भी मैं प्राइमर अप्लाई नहीं करती हूँ। तो आज भी सारा मिक्स फाउंडेशन का हमें रिजल्ट देखना है कि कैसा निकलता है फिनिशिंग, तो इसलिए मैं विदाउट प्राइमर आज यूज करूंगी। तो अभी मैंने कोई भी प्राइमर नहीं लगाया है,
तो अभी मैं इसको अप्लाई करूंगी, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसका फिनिशिंग कैसा आएगा? फुल कवरेज तो डेफिनेटली होगा क्योंकि इसमें इतने सारे फाउंडेशन मिक्सड हुए हैं, फुल कवरेज फाउंडेशन भी मिक्सड हुआ है। कलर जो है मुझे लगता है ठीक ही है, उतना ज्यादा लाइट नहीं होगा मेरे स्किन से। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आवाज होगा तो आप प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। तो पहले मैं डॉट डॉट करके जो है फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं बिल्डअप करूंगी क्योंकि अभी तक पता नहीं ना इसका फिनिशिंग कैसा होगा। तो यहाँ पर मैं ये पुराना मेरा एक ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर था वो मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा YBP का ब्यूटी ब्लेंडर कम्प्लीटली खराब हो गया है और नया मैं परचेस नहीं कर पा रही हूँ, और बाकी जितने भी मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है एक भी मुझे पसंद नहीं है। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर काफी पुराना है, ये भी कैसा कलर जो है पूरा खराब हो गया था, तो मैं ये यूज कर रही हूँ आज बहुत दिनों बाद। ये थोड़ा सा थिक हुआ है, जैसे कि आपको बोला था कवरेज अच्छा मिलेगा, पर अभी मैंने थोड़ा सा ही अप्लाई किया है और अप्लाई करके और अच्छे से कवरेज पता चलेगा। तो ये फर्स्ट अप्लाई करने पे इसका फिनिशिंग जिस टाइप का आया है ये एवरीडे के लिए सही है। कैमरा में शायद थोड़ा बहुत हेवी लग सकता है, पर मैं मिरर में देख रही हूँ उतना ज्यादा हेवी नहीं है, नॉर्मली लग रहा है एंड उतना ज्यादा कवरेज नहीं है, मीडियम सा कवरेज है। तो अभी मैं इसको और अप्लाई करूंगी, जैसे मैं नॉर्मली जितना अप्लाई करती हूँ उतना अप्लाई करती हूँ। शेड जो है बहुत ही सही आया है, मेरे स्किन टोन से उतना भी लाइट नहीं है। कंसीलर मैंने अप्लाई नहीं किया है तो इसलिए अंडर आई में और आईलिड में भी अप्लाई कर रही हूँ, इससे ये पता चलेगा ये कितना डार्क सर्कल्स को कवर करता है। एक चीज भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा फाउंडेशन कितना अमाउंट आप ऐड करते हो, तो उसके ऊपर भी इसका फिनिशिंग डिपेंड करेगा। तो इसका जो फिनिशिंग आया है मुझे बहुत पसंद आया है, आई जस्ट लव दिस फिनिशिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक ड्यूवीनेस भी आया है एंड ये ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है स्किन में, एकदम नहीं, कम्प्लीटली कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे, मेरे स्किन में कोई ड्राइनेस फील नहीं हो रहा है, दिखने में भी ड्राई नहीं लग रहा है, ना ओवर ग्लो कर रहा है ना ओवर एकदम मैट हो गया है, यहाँ पर ग्लो भी कर रहा है। मेरा फेस का जो फिनिशिंग जो आया है एकदम मीडियम टाइप का आया है, जैसा एग्जैक्टली हमें चाहिए होता है फाउंडेशन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड विदाउट प्राइमर मैंने इसको अप्लाई किया है, विदाउट प्राइमर यहाँ पर इस एरिया में आप देख सकते हो काफी स्मूथ फिनिशिंग है, मेरा ओपन पोर्स का जो भी प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मोस्टली फाउंडेशन में ऐसा होता है कि प्राइमर अप्लाई ना करो तो यहाँ पर ओपन पोर्स दिखता है, वो मेरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हर जगह पे फाउंडेशन जो है अच्छे से ब्लेंड हुआ है, कहीं पर भी कोई भी पैचीनेस नहीं है। डार्क सर्कल्स जो है मेरा वो भी काफी हद तक इसने कवर किया है, ये ऐसा नहीं है कि ओवर कवरेज हो गया, बहुत ज्यादा हाई कवरेज हो गया कि एकदम मास्क की तरह लगेगा, ऐसा भी नहीं है। एग्जैक्टली हमें जिस टाइप का कवरेज जिस टाइप का फिनिशिंग पसंद है उस टाइप का फिनिशिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें मैंने HD फाउंडेशन, नॉन HD फाउंडेशन, नॉर्मल लैक्मी का फाउंडेशन, फुल कवरेज डर्मापल फाउंडेशन, आपने देखा ही होगा हर कैटेगरी का फाउंडेशन इसमें मैंने मिक्स किया है एंड फिनिशिंग जो है बहुत अच्छा लगा है। तो मैं आगे से भी इस तरीके से फाउंडेशन मिक्स करके अप्लाई करना जरूर पसंद करूंगी क्योंकि फिनिशिंग जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, इस टाइप का फिनिशिंग मुझे बहुत पसंद है मेकअप में। तो मेरा एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो है मीडियम सा कवरेज मिला है मुझे, यहाँ पर पिंपल्स के जो भी स्पॉट्स थे वो कवर हो गया है। हाँ, यहाँ पर हल्का सा आपको जो है पिगमेंटेशन वो दिखेगा क्योंकि वो अगर मैं कलर करेक्टर यूज करती हूँ तो ही हाइड होता है, विदाउट कलर करेक्टर वो कभी भी हाइड नहीं होता, चाहे मैं डर्माकोल भी यूज कर लूँ। बाकी जो फुल फेस में जो है कवरेज जैसा दिया है अच्छा कवरेज है, इसको आप चाहो तो और एक लेयर अप्लाई कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशनली किसी ब्राइडल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो इसमें और एक लेयर अप्लाई करके आप फुल कवरेज पे बिल्डअप कर सकते हो, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस फिनिशिंग से। अभी मैं इसके ऊपर बाकी मेकअप जो है वो करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कैसा लगता है, एंड थोड़ा टाइम भी हो जाएगा करते करते तो ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ी देर बाद इसका फिनिशिंग कैसा होता है, इसका लुक जो है कैसे चेंज होता है वो पता चलेगा।
तो मैंने कंप्लीट मेकअप कर लिया है। आप देख सकते हो मेरा कंप्लीट मेकअप का जो लुक है, जो फिनिशिंग है, ऐसा आया है। मैंने इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। पाउडर अप्लाई किया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। सारा प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हुआ है, अप्लाई हुआ है, कहीं पर भी कोई भी पैचिनेस नहीं हुआ है। एंड ऐसा नहीं हुआ है कि इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करने में मुझे दिक्कत है, ब्लेंड करने में दिक्कत हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। नॉर्मल हम कोई भी मेकअप करते हैं, जैसे सारा प्रोडक्ट हम ब्लेंड करते हैं वैसे ही ब्लेंड हुआ है। हाईलाइटर भी आप देख सकते हो, मैंने सारा चीज अप्लाई किया है फेस में। आई मेकअप में कुछ भी उतना नहीं किया है, पर फेस पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था, तो इसलिए मैंने फेस पे सारा मेकअप किया है, कंटूरिंग, ब्लशर, हाइलाइटर एंड हर एक चीज बहुत ही अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हुआ है इस फाउंडेशन के ऊपर। तो इसलिए मुझे फाइनली बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है इसका ओवरऑल लुक। एंड अभी काफी टाइम हो भी गया है, फिर भी मेरा मेकअप जो है एकदम फ्रेश दिख रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। मैंने बहुत टाइम पहले फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड कोई भी ऑयलीनेस अभी तक नहीं आया है। 1 घंटा हो गया है पर कोई भी ऑयलीनेस नहीं आया है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो फाइनली मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो काम आया है एंड आप भी इस टाइप का एक्सपेरिमेंट जो है कर सकते हो। आई होप कि आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।